चलिए माय डियर्स, आज हम लोग डीजल इमिशन का तीन सिचुएशन आपके सामने डिस्कस करेंगे। स्टेटस, ऑफ पार्टनर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, स्टेटस ऑफ पार्टनर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन क्या है सर? नंबर वन, ऑल पार्टनर आर सॉल्वेंट। आई थिंक सॉल्वेंट का मतलब आप जानते हैं क्या? पर्सनल एसेट इज मोर देन पर्सनल बिलिटीज। ऑल पार्ट, सम ऑफ द पार्टनर, सम ऑफ द पार्टनर, सम ऑफ द पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड अदर्स अदर्स इनसॉल्वेंट। थर्ड, ऑल पार्टनर आर इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट मतलब मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक चीज लिखा देता हूं इनसॉल्वेंट का मतलब, जो ऑलरेडी मैंने लिखा के रखा भी था। उल्टा, पर्सनल लायबिलिटी इज मोर देन पर्सनल एसेट। डन। तो ये तीन सिचुएशन हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट वन ऑलरेडी डिस्कस्ड, नाउ क्वेश्चन इज सेकेंड वन। पहले ये समझो इसमें प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए आप लोगों ने जो प्रॉब्लम किया है वो फाइनल सेटलमेंट के टाइम आप लोगों ने दिखा है पार्टनर को पेमेंट कर रहा है फर्म, लेकिन ये भी तो सिचुएशन हो सकता है जहां पर फर्म पार्टनर को पे नहीं कर रहा है, रादर पार्टनर इतना डेफिसिट हो गया उसको पैसा लाना पड़ रहा है। इन दैट सिचुएशन इट इज वेरी डिफिकल्ट for a insolvent partner to bring necessary cash to set off the deficit in the capital account, because uske paas to paisa hi nahi hai, to khud banda insolvent hai, wo kaise paisa layega? Now this problem lies, ye jo insolvent partner ka loss hai, because aap log jante hi hai partner ka responsibility unlimited hai, तो इंसॉल्वेंट पार्टनर का जो लायबिलिटी है, इन पर्सनल लायबिलिटी नहीं, बिजनेस में जो लायबिलिटी है उसका कैपिटल का जो डेफिसिट बैलेंस, मान लीजिए कैपिटल बैलेंस एक इंसॉल्वेंट पार्टनर का आया है, डेबिट में आया है 1 लाख और क्रेडिट में आया है 20,000, तो नेट डेफिसिट कितना है? 80,000। तो जाहिर सी बात है मुझे 80,000 का लॉस उसको पैसा लाना चाहिए, बिकॉज पार्टनरशिप इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लेकिन सर उसके पास तो पैसा ही नहीं है, वो पैसा लाएगा कैसे? एग्जैक्टली राइट। अगर उसके पास पैसा ही नहीं है तो पैसा लाएगा कहां से? मान लीजिए 80,000 में 10-12,000 कुछ लाया, चलिए 10,000 लाए, तो बाकी 70,000 तो उसका पड़ा हुआ है, उसको कौन बियर करेगा? लेकिन बिजनेस में तो बियर करना ही पड़ेगा किसी ना किसी को, नहीं तो लाइबिलिटी का पेमेंट कैसे होगा? यस, इन दैट केस सॉल्वेंट पार्टनर का रोल सामने आता है। तो सॉल्वेंट पार्टनर ये लॉस को भरपाई करेगा। प्रॉब्लम यहां से ही शुरू होता है।
सॉल्वेंट पार्टनर लाएगा ये तो समझ में आ गया, लेकिन मान लीजिए एबीसी में सी इनसॉल्वेंट हो गया, ए और बी बैठा है, तो कौन सा रेशियो में ए एंड बी लाएगा, ये कैपिटल लॉस कौन सा रेशियो में लाएगा, यहां से ही प्रॉब्लम का शुरुआत। वो लोग बोलेगा पीएसआर, कोई बोलेगा कैपिटल रेशियो, तो ये मैटर बहुत देर तक कोर्ट में गया है, कोर्ट में चैलेंज तक हुआ है ये डिसीशन। तो इसके बारे में हम लोगों का पार्टनरशिप एक्ट में कुछ कुछ प्रोविजन बोला हुआ है, वो हम लोग देखेंगे, लेकिन मेजर जो पॉलिसी प्रोसेस है वो हम लोगों का डिसीशन ऑफ गार्नर वर्सेस सामने आता है। तो इन दैट सिचुएशन हाउ द लॉस ऑफ हाउ द डेफिसिट ऑफ इनसॉल्वेंट पार्टनर कैपिटल बैलेंस टू बी एडजस्टेड। इसके लिए ऑल्टरनेटिव वन है, वन डिसीशन ऑफ गार्नर वर्सेस मारे। ये इंग्लैंड का एक केस का फेमस डिसीशन है, जहां पर ऑनरेबल जज कुछ ऑब्जर्व किया और उसने कुछ प्रोसीड्योर बोला है। सारा वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द सेटलमेंट इस प्रोसेस में ही होता है। देखो क्या है, स्टेप वन प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट, जेशन अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट एज यूजुअल प्रोसेस एंड शेयर द लॉस ऑफ लॉस और प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन एज पर पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टेप टू क्या, सॉल्वेंट पार्टनर, बिकॉज मैंने बोला है यहां सिचुएशन में कुछ सॉल्वेंट है कुछ इनसॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट पार्टनर ब्रिंग कैश टू द फर्म टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस on realization to the extent of loss on realization, solvent partner bring cash will bring cash to the firm to the extent of loss on realization, matlab jitna uska to the extent of his share of loss on realization, realization के दौरान जो loss हुआ है उस loss में उसका जो share है उसी पर loss का equivalent cash वो क्या करेगा, introduce करेगा। कौन करेगा, सिर्फ solvent partner। Step three, prepare capital account, rather मेरा गलती हुआ है एक जगह, यहां पर मुझे लिखना चाहिए था स्टेप थ्री,
prepare capital account. Prepare capital account. Now, insolvent partner will bring the cash. Insolvent partner will bring the cash to the extent available from his estate. मतलब उसका पर्सनल एसेट से जितना पॉसिबल कैश हो सकता है वो क्या करेगा, इंसॉल्वेंट पार्टनर लेके आएगा. स्टेप फाइव. स्टेप फाइव. क्या सॉल्वेंट पार्टनर हैविंग डेबिट क्रेडिट बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट इन लास्ट adjusted capital account will borne the deficit of insolvent partners capital account by introducing further cash in the ratio of their closing adjusted capital. इसका मतलब insolvent partner का जो balance payment नहीं हुआ है वो बियर कौन करेगा, solvent partner बियर करेगा. सॉल्वेंट पार्टनर कौन सा रेशियो ते बियर करेगा, एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे विल बियर. नो, एज पर कैपिटल रेशियो दे विल बियर. विच कैपिटल रेशियो, एज पर लॉस एडजस्टेड कैपिटल रेशियो. ओके, नाउ व्हाट इज स्टेप सिक्स. Balance of solvent partner capital account to be settled through cash in or कैश आउट. बाकी जो सॉल्वेंट पार्टनर का जो बैलेंस है सब करने के बाद वो क्या करेगा, आइदर कैश इंट्रोड्यूस कराएगा और कैश उसको पेमेंट करेगा एज द सिचुएशन में भी. नाउ व्हाट इज
adjusted capital for maintaining capital account with current account. इसका मतलब fixed capital method. क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस. तो फिक्स, अगर आप फिक्स कैपिटल मेंटेन करते हैं तो ओपनिंग डेट में जो आपका कैपिटल था उसी का बेसिस पर के आप रेशियो बनाएंगे. टू, फॉर फ्लक्चुएटिंग, फॉर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल for fluctuating capital adjusted capital is as follows. Opening capital add general reserve less PL debit balance add unrecorded assets less unrecorded liability. PSR में डिस्ट्रीब्यूट, PSR में डिस्ट्रीब्यूट. That is adjusted capital. Okay. ये था alternative one decision of Garner versus Mare. एक बार देख लीजिए, बस एक बार देख लीजिए. सर तीन नंबर पॉइंट एक बार बताइए ना सर थोड़ा. सॉल्वेंट पार्टनर जो लॉस होना, लॉस ऑन रियलाइजेशन का शेयर है, मान लीजिए उसका लॉस ऑफ शेयर रियलाइजेशन का शेयर है 10,000, तो 10,000 के लिए वो कैश इंट्रोड्यूस करेगा. मतलब जितना रियलाइजेशन लॉस है उतना अमाउंट ऑफ कैश वो लोग इंट्रोड्यूस करेगा. ऑल्टरनेटिव टू,
as per Indian Partnership Act 1932 na? Yes, sir. Section 44. क्या बोला है? Clear or not? Clear or not? Yes, sir. Agree? मैंने जानबूझ के लिख के काट दिया है, सब सेम रहेगा, सिर्फ वो जो realization loss का जो उसको पैसा लाने का जो concept है वो Indian Partnership Act में नहीं है. Alternative 3. As per agreement in the partnership. Partnership में जो agreement हुआ था उसके हिसाब से. तो question में given होगा. क्या करना पड़ेगा? Given in the question. Question में वो लिखा रहेगा. एक साल या दो साल पहले एक क्वेश्चन आया था जहां पर पार्टनरशिप में बोल दिया था कैसे करना पड़ेगा, ना गार्नर वर्सेस मारे ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. अगर कुछ नहीं बोला जाता है देन गार्नर वर्सेस मारे और पार्टनरशिप एक्ट, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. गार्नर वर्सेस मारे का डिसीजन कौन से ईयर में था जानते हो? 1944 हुआ था इन द ईयर 1904, तब ये लोग दिए था ऐसा. डन. तो ये तीन प्रोसेस मैंने दिखा दिया है, समझा दिया है. अब मेरा सवाल होता है इसको इलस्ट्रेशन में कैसे डाला जाएगा. ये समझ लिया तो समझिएगा आपका प्रॉब्लम में कुछ है ही नहीं. इलस्ट्रेशन loss on realization rupees 50,000. Partners capital
A B 20,000 C 5,000 reserve rupees 10,000. PSR 2:1. C is insolvent and amount realized rupees 3,000 from his estate. Amount realized from his estate. Clear? Yes, sir. Show the capital account following Garner versus Murray. Correct. Solution. Debit. Partners capital account. B, C, by balance brought down, brought forward. Kitna? 10,000, 20,000, 5,000. Okay. Is it okay? To realization account loss kitna loss the share hoga 2:1 that is 50,000 20,000 20,000 10,000. What is said in the rule? Solvent partner will bring the necessary cash to make their loss good to the extent of realization loss. Uska jo realization loss
अच्छा उससे पहले जनरल रिजर्व है, कितना जनरल रिजर्व अकाउंट 10,000, 4,000, 4,000, 2,000. बाई गार्नर वर्सेस मारे क्या बोल रहा है, कैश इंट्रोड्यूस करेगा बाई कैश और बैंक, कैश अकाउंट क्या है, इंट्रोड्यूस बाई सॉल्वेंट पार्टनर, पार्टनर to the extent of realization loss. क्या है, कितना कैश लाएंगे सर, ये ए कैश लाएगा 20,000, बी भी लाएगा 20,000, लेकिन सी ब्रिंग नहीं कर सकता बिकॉज वो इंसॉल्वेंट है, तो कुछ नहीं लाएंगे. फाइन, बाई कैश अकाउंट, कैश अकाउंट तर realization from estate, estate से कितना realize हुआ है 3,000, बस तो बाकी do the balance. To balance, CD, बोलो कितना बैलेंस आता है सर. 14,000. 14,000 इसका, इसका 24 आई थिंक, यस और नो? यस सर. और सी का, सीका सर हो गया सेम से मुझे. ओह गॉड, क्या कर लिया. 6,000 गया हाथ से. कैपिटल अकाउंट 1,000 करो, कैपिटल अकाउंट 1,000 तो उसका लॉस ज्यादा हो गया और उसका कैपिटल बैलेंस में डेफिसिट आ रहा है. ये लोगों का सरप्लस आ रहा है लेकिन इसका तो डेफिसिट आ रहा है. यस सर. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन सीडी कितना, 4,000. ओके नाउ धीरे, नेक्स्ट ईयर में बैलेंस टू, नेक्स्ट मतलब इसी का ही कंटिन्यू हो रहा है, कोई नेक्स्ट ईयर नहीं, इजी करने के लिए कोई चाहे तो एक साथ कंटिन्यू कर सकता है. बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, सी का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 4,000 और बाकी बैलेंस बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 14,000, 24,000. मुझे ये बोलो तो टोटल कितना था, 34,000, 44,000, 10,000.
We can make it bold. Bold C. Now, अब ये deficiency कौन bear करेगा? C का जो balance में deficiency है कौन bear करेगा? A और B. सर इसको तो A और B को ही bear करना पड़ेगा. तो by मतलब C का deficient board by the A and B. तो C's capital को credit करेंगे और bear करने के लिए A and B को debit करना पड़ेगा. तो A's capital account debit by A capital. A account कर लो by B account. कैसे करेंगे? और यहां पर 2C account. कैसे करेंगे देखते हैं. वर्किंग नोट शेयरिंग ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सीज कैपिटल. अच्छा बेटा क्या लिखेगा? A, B, B, capital, fluctuating capital method है, current account नहीं है, तो capital 20,000, capital 20,000, add, reserve, reserve का distribution कितना हुआ था? 4,000, 4,000. PL नहीं है, unrecorded asset, unrecorded liability नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? Closing adjusted capital. How much? 24,000. So we can say that what? The ratio of adjusted capital is 1:1. Ratio 1:1. Deficit of deficit kya? Capital of C. How much? Deficit capital of C kitna hai beta? 4,000. Shared. Shared by A. Kitna? 4,000 into 1/2 because they share karenge, not as per BSR. Ratio. Kaunsa ratio? Capital ratio. 2,000 shared by B. Into 1/2. Okay. So total 4,000. So A BR karega 2,000. C B BR karega 2,000. That is sharing of deficiency. So iske liye kaun dega? C 2,000. Done. Chaliye karne ke baad ab uska payment to cash. To cash account, how much? 12,000
ये 22,000, इसका तो कुछ नहीं होगा, बैलेंस टोटल हो गया, दैट इज 14, 24, 4,000. ओके, एनी प्रॉब्लम तो बोलिए. यही प्रॉब्लम आप अगर मैं गार्नर वर्सेस नहीं करके अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करता, दी सेम प्रॉब्लम गार्नरशिप एक्ट फॉलो नहीं करके अगर पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करता सर, ये एंट्री नहीं होता, ये नहीं होता. मतलब ये कैश to make the loss good of sharing of deficiency नहीं होता. Deficiency का जो पैसा है वो नहीं लाना पड़ता, बाकी सब सेम है ऑटोमेटिकली, बाकी सब सेम है. सर एडजस्टेड कैपिटल पे सर लॉस क्यों नहीं लेस किए? कहां पर लॉस है? ये रियलाइजेशन. चलिए आ जाइए, मैं सोच रहा था कुछ ना कुछ एक बार सवाल करेगा तो अच्छा ही लगेगा. कहां पर मैंने रियलाइजेशन का लॉस लिखा था? क्लोजिंग एडजस्टेड कैपिटल मतलब रियल, क्लोजिंग व्हाट का मतलब है ठीक, रियलाइजेशन से पहले. तो रियलाइजेशन से पहले जनरल रिजर्व था, पीएल डेबिट बैलेंस था. रियलाइजेशन लॉस रियलाइजेशन के बाद होता है. सर रियलाइजेशन के पहले जो अमाउंट रहेगा बैलेंस उस पर बांटेंगे. रियलाइजेशन से पहले जो अमाउंट रहेगा मतलब जनरल रिजर्व, पीएल, अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और कुछ नहीं. मतलब मैं अगर कैपिटल अकाउंट को रेक्टिफाई करता हूं तो क्या होता कैपिटल? क्लियर? ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है. अगर फिक्स कैपिटल होता यहां पर सेम ही आता था, हम लोग कैपिटल करने के टाइम सिर्फ रिजर्व सरप्लस को नहीं लेते, सिर्फ कैपिटल अकाउंट को लेते. यहां पर जो कैपिटल बनाया है, यहां पर कैपिटल प्लस रिजर्व किया. अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है इसलिए एज्यूमिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर यही अगर कैपिटल रेशियो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एंड रियलाइजेशन एज पर पीएसआर. याद रहेगा? यस सर. कल हम लोग इसके ऊपर बात और भी करेंगे और दो तीन इलस्ट्रेशन देखेंगे. उससे पहले आप लोग प्लीज प्लीज ध्यान लगा के आज का जो क्लास मैंने कराया है वो एक बार दो बार पढ़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, तब आपको अच्छा लगेगा करने में. अरे एकदम कंपल्सरी है, आएगा ही, इसका और नहीं रहता है. सर वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स लायबिलिटी पार्टनर कैपिटल में एडजस्ट कर रहे, मतलब ये रियलाइजेशन मैंने आप लोगों को सिखाया था, रियलाइजेशन का प्रोसेस सेम ही होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं मेरा करेक्टेड कैपिटल क्या है. तो करेक्टेड कैपिटल के लिए अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी तो मुझे रिकॉर्ड करके देखना पड़ेगा करेक्टेड कैपिटल क्या है. हाँ, रियलाइजेशन में अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी लिखने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज एक बार लिखोगे उसके बाद राइट ऑफ कर दोगे. तो इट इज बेटर आप लोग क्या करोगे, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए अनरिकॉर्डेड एसेट एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लिखेंगे. मतलब अगर अनरिकॉर्डेड एसेट बैलेंस शीट में लिखते तो मेरा क्या इफेक्ट होता, नॉट रिवैल्यूएशन. अनरिकॉर्डेड एसेट कुछ है, वो अगर कैपिटल अकाउंट में लिखते तो उसका इंपैक्ट क्या होता, कैपिटल अकाउंट में क्या होता. मैंने रियलाइजेशन में जैसे सिखाया वैसे ही फॉलो होगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट एडजस्टमेंट में क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए
जो जो क्लोजिंग डेट में एडजस्टमेंट है वो सब करना पड़ेगा बिफोर रियलाइजेशन। और ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट तो बिफोर रियलाइजेशन का ही घटना था, आपने कोने रिकॉर्ड किया नहीं है। जब मैं मतलब पूरा एक्चुअल फिगर सर कैलकुलेट करना होगा कैपिटल का मेरे को, जो मिस है जो नहीं है वो भी। हाँ 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 एकदम उस डेट में जो जो है।